I'm super excited to binge watch all my favorite movies and more. Subscribe to Shimaru Me. Bullshit. 99% love stories mein yahi hota hai. Acha to aage kya hota hai? Wo to mujhe bhi nahi pata. Acha matlab kahani likhi ja rahi hai? Nahi. Hum kahani ke bina film banane wale hain. रियलिटी सिनेमा जो हकीकत में होता है, रियल कैरेक्टर्स, रियल लव, रियल गुस्सा, रियल आंसू, रियल पैशन. यू नो रियलिटी में बहुत ट्विस्ट्स हैं. क्या तुम्हें यहाँ आने से पहले पता था कि तुम इस फिल्म के लिए सेलेक्ट हो जाओगे? नहीं ना, दैट्स रियलिटी. यानी मैं सेलेक्ट हो गया? यस. yes. और तुम अपने साइड की स्टोरी खुद शूट करोगे इस डिजिटल कैमरा के साथ. रानी, फिल्म का कॉन्ट्रैक्ट देना. रियल हुक तो तुमने अभी सुना ही नहीं. लड़की और उसके फियांसे को एंड तक पता नहीं चलेगा कि उन पर एक फिल्म बनाई जा रही है. मतलब वो दोनों एक्टर्स नहीं हैं? नो. मुझे सचमुच उन दोनों का ब्रेकअप करवाना है. यही तो हमारे फिल्म की यूएसपी है. नहीं सर, मैं ये काम नहीं कर सकता. किसी की लाइफ के साथ खेलना पड़ेगा? ये तो गलत बात है. क्या गलत बात है? दुनिया में हजारों रिश्ते बनते और टूटते हैं. एक और रिश्ता टूट गया तो क्या फर्क पड़ेगा? और तू क्या कोई सुप्रीम कोर्ट का जज है जो सही गलत का फैसला करेगा? हाँ, लुक विकी, तुम्हें इस काम के लिए 10 लाख रुपए मिलेंगे और फिल्म रिलीज होने के बाद गारंटीड स्टारडम. बी प्रैक्टिकल. अरे लोग सक्सेस पाने के लिए किसी की जान लेने से झिझकते नहीं, और तुम एक रिश्ता तोड़ने के लिए मना कर रहे हो? मुझसे ये काम नहीं होगा. सॉरी, मैंने उसकी ऑफर को ठुकरा तो दिया, लेकिन मेरी बेकारी ही मेरी मजबूरी बन गई. मुझ पर कर्जे इतने थे कि मैं मजबूर हो गया. और रोहित की ऑफर को एक्सेप्ट करने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था. लड़की कौन है? वो दुबई में रहती है, उसका नाम सोफिया है. और मैं रोहित, सिद्धार्थ और रानी के साथ दुबई आ गया. जिस शाम तुमने एंगेजमेंट की पार्टी दी थी, उस रोज सुबह करण ने मुझे होटल के मैनेजर और सिंगर से मिलवाया और उन्हें पैसे देकर तुम्हें मेरे करीब लाने का प्लान बताया. I'm so sorry, Sophia. लेकिन सच्चाई यही है. तुमने अपनी फिल्म बनाने के लिए मुझे यूज किया? यानी हमारे बीच जो कुछ भी हो सब झूठ था? झूठ से शुरुआत हुई थी, लेकिन धीरे धीरे मैं तुम्हें सचमुच जाने लगा. उस दिन जब तुम जैकेट लौटाने आई थी, मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूं. और मैंने उसी वक्त रोहित से कह दिया कि अब मैं ये काम नहीं कर सकता. पैसों का इंतजाम करने के लिए मैं बीच फेस्टिवल चला गया ताकि मैं मुंबई वापस लौट सकूं. कि हमारी वजह से करण ने सुसाइड कर लिया? अच्छा, हाय सोफिया. शॉक लगा ना, एक मुर्दा आदमी को चलता फिरता देखकर. यानी करण और रोहित? हाँ, दोनों मैं ही हूं. तुम्हारे लिए रोहित और सोफे के लिए करण.
बाय द वे मेरा असली नाम रोहित श्रॉफ है। तुम्हें हैरान होने की कोई जरूरत नहीं सोफिया, मैंने अपने आप को शूट नहीं किया था, वो तो मैं अपनी फिल्म की शूटिंग कर रहा था। आई कांट लिव विदाउट यू, आई विल ऑलवेज लव यू। माइंड ब्लोइंग, टू गुड, व्हाट अ शॉट, एक्सीलेंट, क्या शॉट था, ब्रो। लेट मी जस्ट चेक, अरे सब साफ करो ये, ब्रिलियंट। वो एम्बुलेंस, पुलिस ऑफिसर्स, वो सब एक्टर्स थे, जूनियर आर्टिस्ट। अरे मैंने तो एक्टिंग पूरी पिक्चर में की। रोनी जी प्लीज आप ये समझाइए ना, मुझे पेमेंट थोड़ी ज्यादा दे दे। हैंडल है। हां मैं करता हूं, अब ये लीजिए आप। थैंक यू। यहां पे साइन ये लीजिए। वैसे इस फिल्म की मेकिंग में सिद्धार्थ और रोनी ने भी मेरी बहुत हेल्प की। अरे काश तुमने यहां के बजाय यहां हमारा होता। कम ऑन स्वीटहार्ट, अब सबके सामने रोकर सीन क्रिएट मत। करण बनके तूने हम दोनों के साथ खेल खेला है, धोखा दिया हमें। धोखा? जब तुम मेरी मंगेतर के साथ सोए थे वो धोखा नहीं था? अगर सोफिया का मंगेतर मेरी जगह कोई और होता तो क्या तुम उसके साथ रक्षाबंधन के गीत गाते? तुमने मेरे इमोशंस का मजाक उड़ाया। यू आर मेंटली सिक। यस आई एम मेंटली सिक, कोई इमोशंस नहीं है मुझमें। मुझे तो यह भी पता नहीं कि इमोशन होता क्या है। बचपन से मुझे मां बाप का प्यार नहीं मिला, पापा पैसे कमाने में बिजी रहते थे और मां और एक किट्टी पार्टी से फुर्सत ही नहीं मिलती थी। मुझे बचपन से सिर्फ यही सिखाया गया कि पैसा ही सब कुछ है, पैसे से किसी की भी जिंदगी खरीदी जा सकती है, किसी के भी इमोशंस खरीदे जा सकते हैं। यही सुनना चाहती थी ना, हमारी ऑडियंस भी यही सुनना चाहेगी। एक्चुअली मेरे मां बाप ने मुझे ना बहुत प्यार दिया, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि मैं कुछ डिफरेंट करूं। मैं मेंटली सिक नहीं, बहुत कॉन्फिडेंस है मुझ में। खैर आज तुम्हारी वजह से ना मुझे एक और अच्छा सीन मिल गया। यू नो दीज इमोशनल डायलॉग्स क्लाइमेक्स में बहुत वर्क करते हैं। ये है डिजिटल कैमरा। अगर मैं ये कैमरा यह नहीं लगाता तो मुझे मेरी फिल्म के रोमांटिक सीन्स कैसे मिलते, खास करके वो लव मेकिंग सीन जिसे रिपीट ऑडियंस देखने जरूर आएगी। आई स्वेयर मुझे इस कैमरे के बारे में कुछ पता नहीं था। सोफिया यू हैव टू बिलीव मी, ये घर भी इसी का दिया हुआ है। ये सच कह रहा है, इसे इस कैमरे के बारे में कुछ पता नहीं था। इसे तो ये भी नहीं मालूम कि कैमरा यहां है और रिकॉर्डिंग नीचे वैन में हो रही है। अगर पता होता तो तुम दोनों की लव मेकिंग इतनी रियलिस्टिक नहीं लगती, तुम्हारे एक्सप्रेशंस इतने नेचुरल नहीं होते। आओ दिखाता हूं। कितना पैशन है तुम्हारी किस में? कहते हैं प्यार में सच्चाई हो तो किस करते वक्त आंखें बंद हो जाती हैं। कभी तुमने मुझे इतने प्यार इतने पैशन से किस किया? नहीं, कर भी नहीं सकती क्योंकि तुमने मुझसे प्यार कभी किया ही नहीं। विकी कहानी में आए उसके पहले भी नहीं। हमारे बीच तो सिर्फ थोड़ी दया, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग और ढेर सारा पैसा था।
तुमने सिर्फ अपनी फ्यूचर सिक्योरिटी के लिए मेरे साथ प्यार का टोंग रचाया। Another excellent shot. I can't believe this. Without glycerine? Damn it. I'm a spontaneous actor. ये दूसरा कैमरा और ये रहा आखिरी कैमरा। तुम ये फिल्म रिलीज नहीं कर सकते, तुम्हारे पास सुफिया का कंसेंट लेटर नहीं है। मैंने इतनी छोटी छोटी चीज प्लान की, ये कैसे भूल गया? ऐसा हो सकता है क्या? इसने कंसेंट लेटर क्या कॉन्ट्रैक्ट पे साइन किया है, वो मैंने शादी के एप्लीकेशन के बहाने इससे कॉन्ट्रैक्ट पे साइन ले लिया था। यहां भी यू मस्ट बी एग्जॉस्टेड, जाओ आराम कर लो। सब परफेक्ट प्लानिंग के साथ किया है। तुम्हें जो डर था कि यहां तुम्हारा पीछा गोवा का राकेश कर रहा है, वो गोवा का राकेश नहीं, मेरा हायर किया हुआ डिटेक्टिव था। बेचारे डिटेक्टिव को पता नहीं चला कि तुम पर नजर रखने के बहाने वो मेरी फिल्म शूट कर रहा है। यू नो, मेरी फिल्म में तुम दोनों का अफेयर कंटिन्यू होना बहुत जरूरी था, ताकि फिल्म में मेरे कैरेक्टर को इमोशंस का फायदा मिले। लेकिन जब विकी ने फोन करके कहा कि वो ये काम नहीं करेगा, तो मुझे अपना प्लान बदलना पड़ा और मैं तुम्हें इसके पास बीच फेस्टिवल ले गया। फिर जब लगा कि तुम विकी को छोड़कर मुझसे शादी कर लोगी, तो मैंने शादी के दिन सिद्धार्थ और रोनी को तुम्हारे पास भेज दिया विकी का सैक्रिफाइस बताने, और फिर तुम विकी के पास चली गई और मेरा सैक्रिफाइस बैंक। क्या इमोशनल एंडिंग है, अमेजिंग। अरे तुम दोनों इतने डिप्रेस मत हो, तुम दोनों की परफॉर्मेंस पूरी फिल्म में थ्रू आउट बहुत अच्छी थी। एक दिन दिल से दुआ दोगे तो मुझे, बस अब देखना मैं अपनी फिल्म की प्रमोशन कैसे करता हूं। मैं तुम्हें किसी भी तरह यह फिल्म रिलीज नहीं करने दूंगा। ऐसी कोई हरकत मत करना, ये मेरी आखिरी वार्निंग है। अगर आज के बाद तुमने मेरी फिल्म मेकिंग में किसी भी तरह की रुकावट डालने की कोशिश की, तो मैं तुम्हारे लव मेकिंग सीन का अनकट वर्जन इंटरनेट पर रिलीज कर दूंगा। उसके बाद तुम दोनों मूवी स्टार्स नहीं, पोर्न स्टार्स बन जाओगे। रिमेंबर माय वर्ड्स, यू गाइस आर गोना बी बिग स्टार्स। रोहित, किसी फिल्म ने हर फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म अवार्ड जीता हो, ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ। Yes, it is the first time. इतनी अप्रिसिएशन मिलेगी, I didn't expect that. सुना है फिल्म की शूटिंग के दौरान सोफिया जी को पता ही नहीं था कि वो फिल्म में है। जी हाँ, वरना आप इसे रियलिटी सिनेमा कैसे कहती? लेकिन फिल्म में आपने उन्हें बिना बताए एक किरदार बना दिया, बहुत नाराज हुई होंगी आपके साथ। Well, इसका जवाब तो सिर्फ सोफिया दे सकती है। सच कहूं, पहले तो मुझे बहुत बुरा लगा था, लेकिन फिल्म फेस्टिवल्स में अवार्ड और इतना अप्रिसिएशन मिलने के बाद जब मैंने फिल्म देखी, तो मुझे एहसास हुआ कि रोहित जितना क्रिएटिव आदमी हो ही नहीं सकता दुनिया में। रोहित मेरी जिंदगी में ना आता तो मेरी जिंदगी एकदम एमलेस थी। आज मेरी जिंदगी में एक पर्पस है, एक जज्बा है कि मैं कुछ करूं।
He gave a new direction to my life. वैसे pubs, discs, parties, जहाँ भी देखे आजकल आप एक साथ ही दिखते हैं, लेकिन अगर मैं पूछूंगी तो आप कहेंगे we're just good friends, है ना? नहीं कहूंगी, क्योंकि रोहित मेरा फ्रेंड नहीं, मेरा फियांसे है. Wow, then double congratulations, बाबा. एक आखिरी सवाल रोहित, आपकी ये फिल्म हम हिंदुस्तान के थिएटर्स में कब देख पाएंगे? बस एक लास्ट गोवा फिल्म फेस्टिवल खत्म हो जाए, उसके बाद इंडिया में ही नहीं वर्ल्ड वाइड रिलीज करेंगे हम. Well, all the best for your release, for your Goa Film Festival. Thank you, Rohit. Thank you, Sophia. Thank you. Till next time then, this is Archana Puran Singh, saying goodbye. For exclusive classic movies, download Shimaru Me app now.